नमस्कार, आप सभी को एनटीटी पीआरटी टीजीटी की नई वैकेंसी आ चुकी है आपकी। तो यहाँ पर एक और आप ध्यान रखें, आज जो है एसडीएमसी की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है नर्सरी टीचर की, उसकी आज अंतिम तिथि। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया तो कर सकते हैं, लिंक गिवन है। साथ ही साथ एनटीटी का जो टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है स्पेशली एनटीटी का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑल इंडिया टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आपको एनटीटी की हर एक जानकारी मिल जाती है। साथ में आपकी जो हर एक वैकेंसी होती है, कहीं पर भी आपकी आई हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। साथ ही साथ जो आपकी टीजीटी पीआरटी पीजीटी की वैकेंसी के लिए आप अदर जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक गिवर है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी ये वैकेंसी आई है एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल हैदराबाद की तरफ से। साथ ही साथ एपीएस की तरफ से काफ़ी सारी वैकेंसीज अभी आई हुई है। अब देखना ये है कि आपके पास वाली वैकेंसी कौन सी है, तो आप चेक कर सकते हैं, लिंक गिवन है। एक वीडियो भी प्रॉपर बनाया गया है जिसमें काफ़ी सारी आपकी जो अलग अलग जगह के एपीएस स्कूल की तरफ से जो वैकेंसी आई है उनको डिस्कस किया गया है। यहाँ पर हम बात करें, ये आपकी प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, पर पीरियड बेसिस पर है ये आपके स्कूल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर रहेगी, तो ये आपका दिया गया है। साथ में क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन की गई है, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी हिंदी संस्कृत और टीजीटी मैथ्स फिजिक्स, टीजीटी बायोकेमिस्ट्री, टीजीटी पीईटी आपकी फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी आर्ट। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें पीआरटी की यहाँ पर वैकेंसी है, और ये आपकी पीआरटी तेलुगु, और ये आपकी है एनटीटी की। अब यहाँ पर हम बात करें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन की गई है, पास इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल हायर सेकेंडरी, तो आपकी 12th पास आपने होनी चाहिए, साथ में डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, ठीक है, और साथ में आपका प्री स्कूल एजुकेशन, और साथ में अर्ली, या फिर इनमें से जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं जो भी आप फुलफिल करते हैं, अगर आप इनमें से कोई सा भी जो ऑप्शन दिया गया है तो बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ बीएड अगर आपने नर्सरी से किया है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, या आपका जो अगर सिलेक्शन की हम बात करें वो रिटर्न टेस्ट स्किल टेस्ट यहाँ पर होगा, तो पूरा नोटिफिकेशन आप अच्छे से पढ़िएगा। साथ में इनकी जो सैलरी जो आपकी किस तरह से बनेगी वो भी यहाँ पर मेंशन है। साथ में मैक्सिमम एज लिमिट आपकी जो रहेगी, रिलैक्सेशन क्या रहेगा वो भी है। एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर को 3 साल का, विमेन को यहाँ पर 10 साल का, सारे यहाँ पर मेंशन है। साथ ही साथ आपको जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर गिवन है, यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है डाउनलोड कर लेना है, और ये वाला पॉइंट आपको पढ़ना है। आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है वो आपको पहुंच जाना चाहिए 11 फरवरी 2022 तक, इसके बाद आएगा तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये आपका जो एड्रेस है भेजने का, आपको जो ये एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। साथ में इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के यहाँ पर जो पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो और साथ में ये नोटिफिकेशन भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आई होप आपको नई अपडेट मिल चुकी है, और साथ ही साथ इस तरह की वैकेंसी देखने के लिए बने रहेगा चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा अभी के अभी, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।